अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर फोर मेजर इन्वामेंटल प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस तस्वीर के बारे में बताती हूँ इस तस्वीर को अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि एक तरफ तो हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं हमारे पास मुख्तलफ साइंटिफ़िक टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत आसान हो गई है लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें इस तस्वीर में तो कहीं बंजर ज़मीन है कहीं गैस की इमिशन हो रही है कहीं बहुत कचरा है तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि पॉल्यूशन जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह से ख़राब करता है सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन्वामेंट के बारे में Now, students, the question is what is environment? Students, nowadays there is a growing realization to keep the environment clean. Environment means our surrounding, including living and non living things, interaction of all living species, climate, weather, and natural resources.

इंसानों के लिए साइंटिफिक एडवांसमेंट्स से लाइफ तो आसान हो गई है लेकिन इन साइंटिफिक एडवांसमेंट्स का हमारे इन्वामेंट पर बहुत हार्मफुल इम्पैक्ट हुआ है स्टूडेंट्स इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बिगिन व्हेन ह्यूमन एक्टिविटीज़ स्टार्ट अफेक्टिंग द बायोफिजिकल फिज़िकल इन्वायरमेंट सो स्टूडेंट्स, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट में होने वाले नेगेटिव चेंजेस को पॉल्यूशन या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहा जाता है अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि पॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स केमिकल्स नॉइस हीट डस्ट और गैस इमिशन जैसे हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से हमारे नेचुरल इन्वामेंट में एक नेगेटिव चेंज आता है जिसे हम पोल्यूशन कहते हैं स्टूडेंट्स ये नेगेटिव चेंज हमारे इन्वामेंट को बहुत नुकसान पहुंचाता है एंड वी आल्सो कॉल इट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। स्टूडेंट्स गाड़ियों से निकलने वाला धुआं या फैक्ट्रीज़ से गैसेस का इमिट होना इरप्शन की स्मोक और बहुत ज़्यादा गंदगी ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो मिलकर हमारे इन्वामेंट को पल्यूट करती हैं पॉल्यूशन कैन बी कॉज इन मैनी वेज़ इट कैन बी नेचुरल एज़ वेल एज बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स if we talk about natural way of pollution so the natural way of pollution is volcanic eruption volcanic eruption can spoil the atmosphere and destroy fertile land the smoke of volcanic eruption pollutes the air and the lava that comes out of it destroys the land and volcanic eruption also emit harmful gases and fumes which pollutes the atmosphere people can experience breathing problems due to the high percentage of toxic gases in the atmosphere this pollution is caused by nature so it is a natural cause of pollution Pollution due to human activity can be caused by the disposal of domestic and industrial waste in the environment, mixing of harmful elements in water, polluting the environment by gas emissions from the factories. These are some human activities which cause pollution. I hope you understand all the things now read page number 22 listen the video and complete your sst worksheets at your home thank you for watching the video